मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्दी के दिनों में शतावरी पाक कैसे बनाया जाता है। बड़े ध्यान से सुनना आप। ये तो आप जानते हो कि शतावरी एक बलवर्धक औषधि मानी गई, और ये पूरे राजस्थान में तो होती है परंतु तो उत्तरी भारत में और संपूर्ण देश में ही पैदा होती है। और इसके गुणधर्म अगर देखें, स्वाद में कड़वी, हल्की सी मधुरमय और कसैली होती है। और इसका वृक्ष यानी पौधा कांटेदार और दारियाँ पड़ी हुई उस टहनियों पर, और ये विशेषकर शाखाएँ इसकी तीखी और चिकनी होती। महर्षि चरक ने लिखा है कि यह आयु को बढ़ाने वाली, बलवर्धक, वीर्यवर्धक और दूध बढ़ाने वाली स्त्रियों के, इस तरह से महर्षि चरक ने लिखा है। और महर्षि सुश्रुत ने लिखा है ये बवासीर को नाश करने वाली और स्त्रियों के दूध बढ़ाने वाली, और इसका अगर पाक बनाया जाता है और काम में लिया जाता है तो शक्ति वर्धक होता है, जैसे कि आज हम बनाएंगे, यानी विधि बताऊंगा आपको मैं। और इसके विभिन्न प्रयोग क्या क्या है, स्त्रियों के दूध बढ़ाने वाली है, और दूसरा है ये महिलाओं के पर्दर रोग को भी नाश करती है, और अगर स्वर भंग हो जाता है, आवाज बैठ जाती है, उसमें भी काम लेती है। अब आपको ये बताऊंगा मैं कि ये और एक इसका और प्रयोग है, सूखी खांसी होती है उसको उसका भी शमन करती है। अब ये बताऊंगा ये इसका पाक, शतावरी पाक कैसे बनाया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो लीजिएगा आप बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, और उसमें घी चाहिए कम से कम आधा किलो, उसमें आप रोस्टेड करके ये काजू बादाम पिस्ता रोस्ट करके इनको बारीक कर दीजिए, ये ऐसा कि इस तरह से ये करके। और क्या करना है, खोपरा, एक खोपरे को भी आप बारीक कर दीजिए, और इसकी गोंद जो है इसकी पूरी गिरा दी घी में, और ये शतावरी है 100 ग्राम, ये गेहूं का आटा है 100 ग्राम, और आधा किलो शक्कर है, और ये दाख, और इसमें है जामंत्री इलायची और जामंत्री डोडे, लास्ट में डालते हैं। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई में कढ़ाई लेकर के उसमें पहले तो ये कलिया पाउडर थोड़ा घी डाल करके उसमें कढ़ाई, और फिर इसकी फूली गिरा दी हमने, वो भी एक प्लेट में ले लिया, और इसको भी ये पाउडर कर दिया हमने, और इसको हल्का सा सेकना है। अब क्या करना है, अब ये जो आटा है 100 ग्राम गेहूं का आटा, उस घी में धीरे धीरे सेकना है, 5 मिनट सेके, उसके बाद में सीधा ये शतावरी चूर्ण भी डाल देना है, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सेकना है। ये सीख जावे उसके बाद में, मतलब
खास तो इस आटे को सेकना, गेहूँ के आटे को, बाकी इनका कोई सेकना जरूरी नहीं है, परंतु फिर भी स्वाद के लिए इनको करना पड़ता। थोड़ा इसको डाल दीजिए, 10 मिनट तक इन दोनों को सेक लीजिए और फिर ये डाल दीजिए आप सूखा मेवा, काजू, पिस्ता और बादाम, ये डाल दीजिए। ये 50-50 ग्राम दो तीनों ही, तो ये भी डाल दीजिए आप। और शक्कर का बुरा दही, ये इसका खोपरी का बुरा दही डालना आपको, और हिलाते रहिए बस थोड़ी देर, हिलाते हुए बस फिर इसको नीचे उतार दीजिए। और क्या करिए, उसमें ये 1/2 किलो शक्कर उसमें डाल दीजिए और हिलाते रहिए, अच्छा सा हिला दो उसमें, फिर हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद बादाम, और इसमें ये जामुन्द्री डोडा है और इलायची बांट करके इसमें डाल दो आप, और ये इस तरह से हिला करके ये एक हो जाए सब, और चम्मच से बढ़िया हिलाना है इसको, और फिर उतार करके वो जो घी उसको भी गर्म करके एक तरफ रख देना है, उसको 1/2 पौन किलो घी जो है उसको भी रख देना उधर, बाकी जो बचा हुआ है वो उसमें कढ़ाई में डालना है, ठंडा हो गया है जो घी वो डाल करके एक तरीका आप कर दीजिए उसको, और उसमें फिर ये जामुन्द्री डाइस भी डाल दीजिए, और फिर ये वापस उनको एक करके हल्के छोटे छोटे लड्डू इसे से आप बांध करके अलग किसी मर्तबान में भर दीजिए। ये आपका शताब्दी पाक तैयार हो गया है। अब जितने दिन चले उतने चलाइए। ये तो मैंने बनाया खाली 100 ग्राम का, आप अगर ज़्यादा सदस्य हैं तो 250 ग्राम भी बना सकते हैं, आप 1/2 किलो भी ले सकते हैं शताब्दी चूर्ण। इस तरह से इसकी क्वांटिटी आपको इसके अनुसार बनानी, और लड्डू बना करके आप सुबह पहले नहा धो करके निवृत्त होकर के सभी कामों से एक लड्डू आप खाइए, और ठीक 15 मिनट बाद 1 गिलास दूध पीना है, और 11 बजे भोजन करना है। इसको जब तक खाएं तब तक परहेज का पालन करना पड़ता है, आम इमली के जो चीज़ें बनी हुई है वो नहीं खानी है, और भी बाजारू चीज़ नहीं खानी, ब्रह्मचर्य का पालन व्रत का पालन करना है, और धूप में नहीं रहना है इसको अब, और बस ये इसका परहेज है। और ज़रूर आप इसको सर्दी के दिनों में इस्तेमाल कीजिए, आप बड़ी माकुल चीज़ है, व्रत पुरुषों के लिए तो एक रामबाण दवाई तेज आ जाता उसमें कम, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ये चीज़ें हल्की सी ये चीज़ थोड़ी, आप जरूर अजमेश करिए, और ये सर्दी के दिनों में ही होता है, अन्य दिनों में तो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में हर चीज़ पचने में सुविधा रहती है। धन्यवाद।